नमस्कार व्यूअर्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट देख रहे हैं और वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का चुंबकीय गुण। ठीक है, तो चुंबकीय गुण के बारे में थोड़ा सा इसकी थीसिस समझिए और उसके बाद फिर ठोसों में जो टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। तो थीसिस क्या कहती है कि जो ठोस होते हैं, जो चुंबकीय व्यवहार होता है, वो पदार्थ में जो परमाणु हैं, जैसे कोई भी पदार्थ अगर है वो सबसे छोटी इकाई परमाणुओं से मिलकर, मतलब अणु यौगिक होगा। यौगिक अगर शुद्ध पदार्थ है तो यौगिक है, यौगिक है तो उसकी इकाई होगी अणु, अणु है तो उसकी इकाई होगी परमाणु। तो जो परमाणु है उस परमाणु के अंतर्गत, परमाणु के अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। ये दो तरह से, मतलब आप यह समझिए कि एक छोटा सा ये इलेक्ट्रॉन है वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जी हाँ, अब इसमें जो इसका चुंबकीय व्यवहार आता है इस इलेक्ट्रॉन का, वो चुंबकीय व्यवहार उत्पन्न कहाँ से हुआ? जैसे पदार्थ का चुंबकीय व्यवहार निर्भर कर रहा है उसमें उपस्थित जो परमाणु हैं, उन परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण आ रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय व्यवहार है, ये दो फैक्टर से निकल के आता है, दो कारक है जिनसे इस इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय व्यवहार निकल के आता है। जैसा हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर अलग अलग ऊर्जा स्तरों में या विभिन्न ऊर्जा स्तरों कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षाएं जो हैं वो कक्षकों से मिलकर, मतलब ऑर्बिटल्स हैं वहां पर, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में है वहां। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे तो ऋणावेशित कण या आवेशित कण अगर चक्कर लगा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, और यहां पर हम उसका डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने एक दिखा रखा है कि जो ये नाभिक है और ये एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा, चुंबकीय आघूर्ण जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। ठीक है, तो ये प्लस माइनस बी एम इज अ यूनिट बोर मैग्नेटॉन जिसमें हम चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो है क्या ये चुंबकीय आघूर्ण निकल कैसे रहा है? तो इसका पहला कारण जो है वो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण जो है नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तरों के कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उन कक्षाओं में चक्कर लगाने के कारण एक आघूर्ण जो पैदा हुआ है वो है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। एक तो ये कारक हो गया। दूसरा जो है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। इसको ऐसे रिजेंबल कर लीजिए कि जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अगर पृथ्वी इलेक्ट्रॉन है तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जो सूर्य है वो नाभिक हो गया। अब वो ये कक्षा हो गई, इसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण पैदा होगा वो कहलाएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट या कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा जो होता है, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी चक्कर लगाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है। तो जब अपने अक्ष पर चक्कर लगाएगा तो वो कहलाएगा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण मतलब ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और इसका भी डायरेक्शन होगा पर्टिकुलर। दो ही पॉसिबिलिटीज, अगर किसी अक्ष के परे तक अगर हम मूव करा रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी, या तो इधर मूव करेगा ये इधर मूव करेगा, इसलिए एक की वैल्यू को हम प्लस हाफ दिखाएंगे, दूसरी वैल्यू को हम माइनस हाफ दिखाएंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी सिर्फ दो होगी। तो दो में से एक मतलब प्लस हाफ, दो में से अगला एक तो 1/2 माइनस हाफ, तो प्लस हाफ माइनस हाफ, तो दो होंगे। एक होगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरा है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये दो संभावनाएं हैं जिसके कारण पदार्थों में चुंबकीय व्यवहार का प्रदर्शन होता है। तो पदार्थों में चुंबकीय व्यवहार उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय व्यवहार के कारण उत्पन्न होता है। अब इलेक्ट्रॉन को आप एक धारा लूप की तरह मान सकते हैं, मतलब एक करंट लूप जो है उसकी तरह मान सकते हैं इस तरह, या जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप में ही एक छोटा सा चुंबक है और ये प्रभावित होता है। अगर इसको हम बाहर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो इसका मान भी प्रभावित होता है। तो दिस इज सिंपल थीसिस अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है सॉलिड्स को, तो जो उसको अगर हम क्लासिफाई करें, मतलब जो ठोसों के चुंबकीय गुण हैं उसको अगर हम क्लासिफाई करें, तो इन चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस को हम पांच भागों में बांट सकते हैं। ओके, देखते हैं क्या है।
तो ये था ठोसों के चुंबकीय व्यवहार का थीसिस। अब चुंबकीय व्यवहार के आधार पर ठोसों को हम पांच भागों में बांट सकते हैं, पांच कैटेगरीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स या सब्सटेंसेस, ये डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। क्लियर? तो ये पांच टाइप हैं जिनके आधार पर हम ठोसों के चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं। अब इसमें जो पहला हिस्सा है अनुचुंबकीय पदार्थ, उसको ये दो टर्म आपने बहुत पहले से पढ़े होंगे, है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये पार्ट फर्स्ट में भी जब एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का एक्सप्लेनेशन दिया था तो वहाँ पर भी आप आराम से नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के आधार पे बड़ी आसानी से आप अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकीय आयन या अणु के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, जिस स्पीसीज में, स्पीसीज का मतलब यहाँ है अणु परमाणु या आयन। ठीक है, अणु परमाणु या आयन, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? अनुचुंबकीय। तो इसका पहला कैरेक्टर है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड यहाँ मिलेंगे आपको जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन वो अनुचुंबकीय ना होकर के लौह चुंबकीय हो सकता है, प्रतिलौह चुंबकीय हो सकता है। वो निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन के डोमेन के आधार पर। तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसका अभिविन्यास कैसा है, उस पर निर्भर करता है। फिलहाल अभी जो है हम क्लासीफाई कर रहे हैं अनुचुंबकीय पदार्थ को, तो जे वे स्पीसीज या वे परमाणु अणु या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होते हैं। इतना ठीक, अनुचुंबकीय होते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी ऑफ मेंशन कर सकते हैं कि अगर आप अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक बेटा, आकर्षित होते हैं। ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम इस अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में रखें या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, तो ये जो पदार्थ है ये उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर या उसकी दिशा की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखो, बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑक्सीजन पढ़ा ही आपने, ऑक्सीजन O2 गैस। हाँ, इसमें एवन इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा काउंट करने पर, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 8, दूसरे का भी 8, 16 हो गया। लेकिन जब इसका हम आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसे हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, उसके आधार पर चेक करें तो यहाँ पर हमें π*2πy और π*2πz में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और उन दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण भले ही इसमें सम संख्या इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पर दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण O2 जो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये भी क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड NO अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसको आप काउंट कर सकते हैं 7 और 8 15, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका अनपेयर्ड रहेगा, और वैसे भी ये कमरे के ताप पर ही डाइमराइज जाता है। ठीक है, द्वितय बना लेता है, लेकिन फिर भी आप NO को किस में रखेंगे? पैरामैग्नेटिक में। NO किस में होगा? पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। इसके अलावा वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड वी वेनेडियम, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो ये 2+ में और ये 4+ में। ठीक, CuO अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप कॉपर 2+ में है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d9 का आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अयुग्मित है, तो जो CuO है वो अनुचुंबकीय पदार्थ है। CuO क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, VO हो गया, VO2 हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। क्लियर, ये हो गया। तो अब इसमें ये टाइटेनियम Ti2O3 ये भी होगा एग्जांपल, टाइटेनियम डाई टाइटेनियम ट्राई ऑक्साइड ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ टाइटेनियम जो है वो 3+ में है, टाइटेनियम 3+ में है, तो 3+ का मतलब हो गया जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होगा 22, 22 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d2 4s2, तो 3 निकाल देंगे अगर आप तो हो जाएगा 3d1 4s0 इस केस में, है ना बेटा। तो ये भी क्या होगा? एक अयुग्मित होगा, अर्थात ये भी
अनुचुंबकीय पदार्थ होगा, ठीक है। TiO भी ले सकते हैं आप, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO या टाइटेनियम मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो टाइटेनियम 2+ का होगा, और 2+ का मतलब हो गया कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D2 4S0, क्लियर। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अयुग्मित होंगे, ठीक। तो ये एग्जांपल्स हैं किसके, अनुचुंबकीय पदार्थों के, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड या मोनो ऑक्साइड, वैनेडियम डाई ऑक्साइड, ये क्यूपरिक ऑक्साइड, डाई टाइटेनियम टेट्राई ऑक्साइड, दिस इज टाइटेनियम मोनो ऑक्साइड, ये सभी के सभी क्या हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। आप इस केस का भी देख सकते हो, ये हो गया 3D9 4S0, क्यों, क्योंकि ये कॉपर 29 आएगा कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल केस में है ये, तो ये आता है 3D10 4S1, तो दो इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है कॉपर का, ये -2 है कॉपर का +2, ये क्यूपरिक ऑक्साइड है बेटा, ऑक्सीजन का -2 होता है और कॉपर का 2+ होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालना है। सामान्य जो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D10 4S1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप 4S1 से, 3D10 से निकालोगे एक निकल जाएगा तो बचेगा 3D9, तो 3D9 का मतलब हो गया अगर 5 ऑर्बिटल्स में आप 5 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जब फिल करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब दूसरा हिस्सा देखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इसमें इसके बेस पर देखिए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो युग्मित होंगे, क्या होंगे, युग्मित होंगे। इसकी पहली प्रॉपर्टी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की थी, तो यहाँ सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। और एक प्रॉपर्टी और थोड़ी इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर इन पदार्थों को हम जैसे अनुचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होते हैं, यहाँ प्रतिकर्षित होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। देखो तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत, जब प्रतिकर्षित होगा तो विपरीत ही जाएगा ना, वापस दूर हटता है ना, तो विपरीत जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत प्रतिकर्षित होते हैं, और जब आकर्षण होगा तो उसके पास आएगा, ठीक है। ये तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं, और प्रतिकर्षित होंगे तो दिशा के विपरीत जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत जाएंगे, और जब आकर्षित होंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर आकर्षित होंगे। हाँ, दोनों में दुर्बल रूप से यहाँ आकर्षण होता है और यहाँ प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर होगा और प्रतिकर्षण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पर ढेर सारे ले सकते हैं, जिंक ले लीजिए, ठीक, कैल्शियम ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, ठीक है। इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, युग्मित हैं, क्या हैं, युग्मित, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। Cu+ आयन ले लीजिए, Cu+ का मतलब हो गया 3D10 4S0, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है कॉपर Cu 29 3D10 4S1, एक निकला तो Cu+, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D10। तो ये सब क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ और ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब थर्ड पार्ट देखो, तो अब तीन और हैं, तीन लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलौह और फेरी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। इन तीनों को एज इट इज़ कंपेयर्ड फॉर्म में देख लो, तुलना करके देख लेते हैं, ठीक है, आराम समझ में आ जाएगा आपको। एक होगा लौह चुंबकीय पदार्थ, दूसरा है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, और तीसरा है फेरी चुंबकीय पदार्थ। इसमें जो सबसे बिगर डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन का डोमेन में, जो इलेक्ट्रॉन जहाँ रहता है कक्षक है ना, तो जो कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा है उसी के आधार पर इनके गुणों में भिन्नता पाई जाती है। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन का डोमेन है, सब इलेक्ट्रॉन का डोमेन है, तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वास्तव में यही चुंबक होता है, इनमें अस्थायी चुंबकत्व का भी गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का डोमेन
और ये सब क्या है, पैरेलल है, मतलब ये सब समानांतर अभिविन्यास वाले हैं, समानांतर अभिविन्यास वाले हैं, दे शो पैरेलल ओरिएंटेशन। तो जो इलेक्ट्रॉन का डोमेन होगा उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब एक ही दिशा की तरफ ओरिएंटेड होंगे। तो अगर इनमें चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें रखा जाए, इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे। ये पदार्थ ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का जो डोमेन है वो समानांतर होता है, समानांतर अभिविन्यास में होता है, सारे इलेक्ट्रॉन समानांतर होते हैं और इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं। और एक बड़ी बात होती है कि अगर इन्हें, मतलब चुंबकीय क्षेत्र हमने लगाया, आकर्षित हो गया, अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र जो वाह चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने हटा दिया तो इनमें चुंबकत्व का जो गुण है वो बना रहता है, अर्थात ये स्थायी चुंबक बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, स्थायी चुंबक बन जाते हैं। क्लियर, अभी प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं। देखो जरा, ये प्रॉपर्टी हो गई कि इनमें पैरेलल ओरिएंटेशन होगा, इनमें क्या होगा, एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन होगा, मतलब यहाँ पर ये प्रतिलौह लौह का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन पैरेलल है और यहाँ एंटी पैरेलल है, ये एक दूसरे को काउंटर करेंगे, एक दूसरे को काउंटर करेंगे, एक दूसरे का विपरीत है ये, बात समझ रहे हैं। तो इसमें यहाँ पर आप देखें तो यहाँ जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक दूसरे का जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा एक किटान का वो एक दूसरे की तरफ संतुलित होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये है एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। यहाँ पर क्या है, ये रैंडम ओरिएंटेशन है, मतलब यहाँ पर समानांतर और प्रति समानांतर, फेरी चुंबकीय पदार्थ में ये वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, नंदनीकरण कहे तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ ही हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के आधार पर, जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन है उसके आधार पर हम देखें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन रैंडम ओरिएंटेशन शो करता है, मतलब पैरेलल भी और एंटी पैरेलल भी। तो पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों टाइप के हो सकते हैं और रैंडम होते हैं, वो सीक्वेंस वाइज नहीं होता कि रैंडम मतलब पैरेलल होगा फिर एंटी पैरेलल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो रैंडम होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पैरेलल दिख रहा है, यहाँ एंटी पैरेलल दिख रहा है, यहाँ एंटी पैरेलल दिख रहा है, यहाँ पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। तो ये रैंडम है, तो रैंडम ओरिएंटेशन जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है या जिनमें होते हैं वो कहलाते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ। तो सिंपल है, लौह चुंबकीय पदार्थ में पैरेलल ओरिएंटेशन होगा इलेक्ट्रॉन के डोमेन का, यहाँ पर एंटी पैरेलल होगा और यहाँ पर रैंडम ओरिएंटेशन होगा, अर्थात इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन का स्पिन रोटेशन दिखाई पड़ेगा फेरी चुंबकीय पदार्थ में। ठीक, अब इसमें आओ, यहाँ क्या है, ये स्थायी चुंबकत्व दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब कहने का कि इन्हें ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं और अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए तो भी ये चुंबक का या चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं, इसलिए स्थायी चुंबकत्व हो जाते हैं, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, प्रबलता से आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो इनमें अस्थायी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इसके एग्जांपल्स में बेहतरीन है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये ले सकते हैं आप, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्लियर, ये सभी जो है अस्थायी चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं, फी कोनी 26, 27 और 28। एक और एग्जाम्पल है इसका, थोड़ा अलग है, वो है CrO2, क्रोमियम डाइऑक्साइड, CrO2, ये भी जो है लौह चुंबकीय पदार्थ है। एक्चुअली ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं इससे, या जो आप जो ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है उसके लिए जो मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स उसी को कहते हैं, तो जो मैग्नेटिक टेप होता है उसको बनाने के लिए हम CrO2 का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे मैग्नेटिक टेप बनाया जाता है, मैग्नेटिक टेप बनाया जाता है फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैग्नेटिक टेप बनाया जाता है CrO2 से, ठीक है। और ये क्यों बना, ये मैग्नेटिक टेप में क्यों इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, CrO2 जो है वो लौह चुंबकीय पदार्थ है, ठीक। अगला देखो, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, एंटी पैरेलल, ठीक बेटा। इसमें जो म्यू आएगा, मतलब इसमें जो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ वो ज़ीरो आएगा, चुंबकीय आघूर्ण ज़ीरो, क्यों, क्योंकि चूंकि समान संख्या में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को संतुलित कर देंगे, प्लस जितना आएगा उतना ही माइनस वैल्यू आएगी, तो एक दूसरे के द्वारा संतुलित हो जाएगी, जिससे ये
इनका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें एग्जांपल देखो, आप ले लीजिए वेनेडियम, ठीक है, वेनेडियम का ट्राई ऑक्साइड ले लीजिए, क्रोमियम का ट्राई ऑक्साइड ले लीजिए, मैग्नीज का ट्राई ऑक्साइड ले लीजिए और आयरन का ट्राई ऑक्साइड ले लीजिए। मतलब वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, दिस इज मैग्निक ऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड, ये सब के सब क्या हैं, ये सब ट्राई ऑक्साइड है। देखो वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड बोल सकते हो, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, मैग्नीज ट्राई ऑक्साइड और ये आयरन ट्राई ऑक्साइड, तो ये सब के सब फेरी चुंबकीय पदार्थ हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी ये ले लो, एक कैटेगरी ये आप ले लीजिए, यहाँ मैग्नस ऑक्साइड ले लीजिए, ठीक है, फेरस ऑक्साइड ले लीजिए, कोबाल्ट ऑक्साइड ले लीजिए, निकिल ऑक्साइड ले लीजिए, ये सब के सब बेटा प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्या है ये? प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, ये सारे के सारे कंपाउंड प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ में रखे जाते हैं। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या है, यहाँ प्रति चुंबकीय फेरी लौह फेरी चुंबकीय पदार्थ में अगर आप देखें, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स में, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन का डोमेन है वो रैंडम है, जिसके कारण चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है। ठीक, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, मतलब ये जो होते हैं फेरी चुंबकीय पदार्थ, ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और इन्हें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें, इन्हें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये दुर्बलता से आकर्षित, दुर्बलता से आकर्षित होंगे, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत कम होता है, तो इनके म्यू का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक, म्यू की वैल्यू जो होती है बेटा बहुत कम होती है, इसलिए बहुत दुर्बलता से ये, दुर्बलता से वाह चुंबकीय क्षेत्र में, दुर्बलता से वाह चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, ये Fe3O4, दिस इज फेरी फेरो ऑक्साइड, ये बढ़िया एग्जांपल है इसका, फेरी फेरो ऑक्साइड, ये एक फेरी लौह चुंबकीय पदार्थ है। क्या है ये? फेरी लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके अलावा फेराइट खनिज होता है, फेराइट खनिज, तो फेराइट मिनरल्स होता है, जैसे ये 2+ और ये हो गया Fe2O4, इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगा। ठीक है, एक खनिज होता है ये फेराइट, तो एक और एग्जांपल था ये फेराइट, फेराइट में क्या था, Fe2+ Fe2O4, Fe2+ Fe2O4। अभी जो M2+ है ये धातु है जो कि द्विसंयोजी वाला है। ठीक है, अब ये द्विसंयोजी कैसे हुआ, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2×4 -8 हो गया, आयरन का यहाँ पर +3 है, यहाँ पर बेटा आयरन जो है किस फॉर्म में है, +3 फॉर्म में है। ठीक है, तो +3 फॉर्म में, तो 2 times है ये, तो 6+ हो जाएगा, 6+ तो यहाँ पर क्या होगा, 8+, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 2+, तो 3+ × 2, तो 6+ और ये 2+, तो 8+, इस 8+ को काउंटर बैलेंस करेगा ऑक्सीजन का -8, ओके, -2×4 तो -8 हो जाएगा। अभी जो M2+ है ये कौन सा धनायन हो सकता है, ये मैग्नीशियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है और जिंक हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर फेराइट एंड Fe3O4, दिस इज अ फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर, एक बात इसमें और ऐड कर सकते हैं और वो ये है कि जैसे लौह चुंबकीय पदार्थ अगर है तो जो इसका गुण होगा वो लौह चुंबकत्व कहलाएगा, ऐसे ही ये प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, तो इसका जो गुण होगा वो लौह प्रति लौह चुंबकत्व कहलाएगा, ऐसे फेरी चुंबकीय पदार्थ तो उसका जो प्रॉपर्टी होगी वो कहलाएगी फेरी चुंबकत्व, फेरोमैग्नेटिज्म, तो वो फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड दैट इज फेरी मैग्नेटिज्म। क्लियर, तो ये 3 टाइप के हैं। एक और छोटा सा टॉपिक इसके अंतर्गत है और वो है क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी ताप, क्यूरी ताप। अब ये क्या है, तो जो 3 कैटेगरी आपने देखी है लास्ट के 3, लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ मतलब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये देखा आपने, दूसरा एंटी फेरो प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, और तीसरा था फेरी चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स।
इन पदार्थों को अगर हम एक निश्चित ताप पर गर्म कर दें तो ये अपना जो व्यवहार है, खुद का जो व्यवहार है, मतलब लौह चुंबकीय पदार्थ का व्यवहार या प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ का व्यवहार या फेरी चुंबकीय पदार्थ का व्यवहार, ये अपना ये व्यवहार बदल देते हैं और ये अनुचुंबकीय हो जाते हैं। तो वह निश्चित ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ या फेरी चुंबकीय पदार्थ को अगर गर्म किया जाए तो वो पूरी तरह से अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस तक हमें उस पदार्थ को गर्म करना पड़ता है, उसके बाद वो अनुचुंबकीय हो जाएगा। उसके नीचे वो लौह चुंबकीय पदार्थ होगा या प्रति लौह होगा या फेरी चुंबकीय पदार्थ होगा, लेकिन उस पदार्थ को हमने उतना टेम्परेचर दे दिया या गर्म कर दिया तो उसके ऊपर टेम्परेचर पर वो अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल डिफिनीशन, वह निश्चित ताप जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ जो है गर्म किए जाने पर अनुचुंबकीय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनुचुंबकीय हो जाते हैं। तो वो ये पदार्थ जो टेम्परेचर है वो कहलाता है पदार्थ का क्यूरी ताप, क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर? अब क्यूरी टेम्परेचर के एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये है आपका, इसी को ले लेते हैं Fe3O4। तो Fe3O4 का जो क्यूरी ताप होता है, क्यूरी ताप, वो 850 केल्विन होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग मटेरियल्स का है। तो Fe3O4 मतलब फेरी फेरो ऑक्साइड जो कि फेरी चुंबकीय पदार्थ है, इसका क्यूरी टेम्परेचर होता है 850 केल्विन, मतलब 850 केल्विन पे ये जो Fe3O4 है ये अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है इतना। तो दिस इज अबाउट योर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।